मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं उसकी पेंटिंग बनाकर उसे प्रपोज करने वाला हूँ। अरे ये क्या, ये तो रास्ते में ही मिल गई। मैं उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी अचानक एक नमूना आ जाता है। ये देखो मेरी बॉय, कैसी लगी? वाओ, बहुत ही अच्छी बॉय है। चलो। उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता हूँ। रुक जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। सका, क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। दिखाओ तो। ये लो। वाओ, ये पेंटिंग तो तुमने बहुत ही अच्छी बनाई है। पर इसका कोई फायदा नहीं, उसे कोई और ही लड़का पसंद है। ना उसने तुम्हारी पेंटिंग देखी सका? नहीं सखी। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो सका? चलो। अरे सखी। रिक्शा। उसे फोन करके यहीं पर बुला लो। आ सके अभी मैं बुलाता हूँ उसे। हेलो पूजा, तुम सोसाइटी के बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये लो सखा। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा सखा। वो आ गई। प्रथम, मेरे लिए क्या सरप्राइज लाए तुम? वो दरअसल दे दो सका, घबराओ मत। हाँ, आई लव यू पूजा। वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। थैंक यू प्रथम। अरे अरे पूजा। उसे मेरी पेंटिंग पसंद आ गई, वो मुझसे प्यार करती, वो मुझसे प्यार करती। सका कोई आ रहा है। देखो मैं अब उनसे प्यार नहीं करती, मैं इससे प्यार करती हूँ। देखो पूजा, तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पर ये पैसे तो नकली है। नकली है? लाओ मुझे दिखाओ। ये लो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मुझे नकली पैसे दे दिए। I love you। मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग तुम्हें पसंद आ गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रथम और आप लोग देख रहे हो प्रथम 9 आर्टिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने कार्टून एनिमेशन बनाया। तो गाइस, ये कार्टून जो है मैंने ऐसे ही बना दिया। तो ये कैसे बनाया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो कार्टून मैंने बनाया है, इसमें मैंने कोई लैपटॉप या पीसी का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ मैंने 11,000 का फ़ोन है मेरे पास, उससे ही मैं ये एनिमेशन बनाया है। तो ये कैसे बनाया, इसका भी एक अलग से एप्लीकेशन आता है, तो स्टॉप मोशन स्टूडियो एप्लीकेशन का नाम है। तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, डाउनलोड करते ही आपको उसके अंदर ही थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसका यूज़ कैसे करना है। और गाइस, मैंने जो ये एनिमेशन बनाया है वो बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एनिमेशन बनाया था। तो ये कागज़ है
ये जो है आप देख रहे हो ये ट्रेसिंग पेपर है और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही, क्योंकि इसको बार बार मिटाना पड़ेगा, आपको बार बार साफ करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही बनाया था, जैसे कि ये लाइन अभी सीधी है तो इस तरीके से अभी मैंने फिर से साफ किया और फिर से या वापस ऐसे किया, तो इस तरीके से मैंने एनिमेशन किया है, बार बार साफ करके इस तरीके से एनिमेशन किया है। तो इस तरीके से बार बार साफ करके तो ये मूव करेगी। तो इसी प्रकार से मैंने ये सब कुछ किया है। तो मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर ये सब बनाता हूँ, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है दोस्तों। और ये जो ट्रेसिंग पेपर है, स्टेशनरी में जाओगे तो आराम से मिल जाएगा ट्रेसिंग पेपर। तो इस पर जो है आप जो भी लिखोगे वो तुरंत साफ़ हो जाएगा। तो कागज़ बार बार साफ़ करने पर ये कागज़ ख़राब नहीं होगा, हालांकि बहुत से ज़्यादा बार साफ़ करने से ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये ख़राब हो ही गया, मैंने बहुत बार साफ़ किया, आपको पता है बहुत कुछ मैंने आपको दिखा दिया इसमें। तो ये कागज़ मुझे बदलना पड़ेगा, ये जो देख रहे हो ना ये पन्नी जैसा कागज़ है, तो ये इसके नीचे मैंने वो कागज़ रखा है, पेपर रखा है, तो इसलिए मैं बार बार इसे साफ़ कर सकता हूँ और ये तुरंत साफ़ भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फोटो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको मोबाइल ट्राइपॉड पर रखना है, और ये देखिए इस तरीके से करना है आपको, आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से रखना है और बनाते जाना है और फ़ोटो खींचते जाना है। तो उसमें ऐसी प्रक्रिया करना पड़ता है, और आपकी ड्राइंग की स्किल भी चाहिए इसमें एनिमेशन बनाने के लिए, तभी आप ठीक से ये एनिमेशन बना पाओगे। तो दोस्तों आपको मैं और एक बात बता दूँ, ये जो ट्रेसिंग पेपर है तो इसके ऊपर आप डोम्स कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और डोम्स कलर पेंसिल आराम से इरेजर से इस कागज़ पर साफ़ हो जाती है, यानी कि आप इस कार्टून को कलर में भी बना सकते हो, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो गाइस मैं पेंटिंग्स भी बनाऊंगा और थोड़ा बहुत एनिमेशन भी बनाऊंगा, हालांकि एनिमेशन को आने में 15 दिन लग जाएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप 15 दिन तक इंतज़ार कर सकते हो तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे एनिमेशन देखने के लिए आगे। तो आगे भी मैं ऐसे एनिमेशन बनाता रहूँगा, और इस बार नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा कॉमेडी सा बनाऊँगा, मतलब कॉमेडी उसमें होगी, तो ऐसा टाइप का मैं एनिमेशन बनाऊँगा। तो आप 15 दिन तक इंतज़ार कर सकते हो, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो सबसे ज़्यादा वक्त एनिमेशन को बनाने में लग जाएगा, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो ही सब्सक्राइब करना। अगर पेंटिंग की वीडियो चाहिए तो पेंटिंग की वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर। मैं पेंटिंग्स भी बनाऊँगा और एनिमेशन कार्टून भी बनाऊँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।